हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी CMT लेवल 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो इस बात का ध्यान रखें कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए वो अभी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करें और जितनी जल्दी हो सके अपना प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ चाहिए होते हैं लेवल 1 को क्रैक करने के लिए। सिर्फ आपको सिलेबस ही 4 मंथ्स में कंप्लीट नहीं करना है, 6 महीने इसलिए चाहिए कि आप सिलेबस कंप्लीट करते करते 4 महीने लग जाएंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन सेट्स के ऊपर, और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो एग्जाम्स के लिए आपको जो टोटल स्टफ पढ़ना है, जो वैले की बुक है, वो मटेरियल हमें पढ़ाना पड़ेगा, और कुछ ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ टेक्निक्स को समझना पड़ता है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि मार्केट में हम उन चीज़ों को कैसे एप्लीकेशन दे पाएंगे, और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो इतना समय आपको चाहिए कि आप इसकी प्रिपरेशन अच्छी से कर पाएं। जितना लेट आप डिसीजन लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए हार्ड हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। CMT का मैं आपको बोलूँगा कि आप कोशिश करें, जल्द से जल्द डिसीजन लें और आप अपना जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो स्टार्ट करें। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू करें, और जो भी लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, चाहे वो हमारे यहाँ करें या अदर करें, वो लोगों को भी मेरी तरफ से सजेशन है कि जहाँ पे भी ज्वाइन करिए आप जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि जितना डिले आप लेट डिसीजन लेंगे उतना ही इंस्टीट्यूट के लिए हार्डकोर हो जाता है उस एग्जाम को क्रैक करवाना। बिकॉज ऑफ डैट एक सफिशियंट लेवल का समय हमें चाहिए दिसंबर अटेम्प्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। और जब से CMT में CFA बॉडी आई है, यानी CFA CMT का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बॉडी है उसमें अब CFA की बॉडी वर्क करती है, यानी CFA इंस्टीट्यूट वाले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्कआउट डिसीजन लेते हैं। उन्होंने एग्जाम को थोड़ा हार्ड कोर बना दिया है और एग्जाम में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है, और आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो दिन में 3 से 5 घंटे निकालिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिकल के साथ साथ। यानी 2-3 घंटे आप ट्रेडिंग करिए, उसको समझिए, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, और बाकी 1-2 घंटे आप प्रैक्टिस करिए या बुक्स पढ़िए या फिर आप जो मटेरियल आपको दिया हुआ है उस पर फॉलो करिए और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट इतना समय आपको लग जाएगा एग्जाम को क्लियर करने में। यही मेरी आप लोगों के लिए सजेशन है, ओपिनियन है। बिल्कुल भी डिले ना करें। जो लोग सोच रहे हैं दिसंबर में एग्जाम है, हम सितंबर में पढ़ लेंगे, उनके लिए मैं आपको बोल दूं कि आप अपना मनी वेस्ट करेंगे कोचिंग का भी, और आप अपना जो रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन का पैसा है वो भी वेस्ट करेंगे, पेरेंट्स का पैसा खराब करेंगे। आप अगर अभी 12th क्लियर कर चुके हैं, अभी अभी आपके एग्जाम निपटे हैं, थोड़ी बहुत आपने घूम लिया फिर लिया, अब आप दोबारा से बैक टू पेपर लेना चाहिए। और 12th के बाद जो लोग अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना चाहते हैं, CMT उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लेवल 1 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जो लोगों ने लेवल 1 के एग्ज़ाम दे दिए हैं वो लेवल 2 के सिलेबस को देखें, फॉलो करें, कैसे उसे पढ़ाई करनी है, उसका बुक्स मटेरियल अरेंज करें और उसकी शुरुआत कर दें। उसका प्रैक्टिकल वर्जन तो शुरू ही कर देना चाहिए अभी तक आप लोगों को। और जो लेवल 2 दे चुके हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि केस स्टडी पे फोकस होना शुरू कर दें लेवल 3 के लिए, और बहुत कम समय बचता है आप लोगों को तो मालूम है, जो लेवल 2 और लेवल 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। 6 महीने भी कम पड़ जाते हैं, हमें सिलेबस को कंप्लीट भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी कवर अप करना है और प्रैक्टिकल मार्केट को भी देखना है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ही मैं आपको एक डिसीजन दे रहा हूँ कि आप अब अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।